मध्य प्रदेश के किसानों ने सोयाबीन के दामों में वृद्धि को लेकर मोर्चा खोल दिया है। धार जिले के दसी किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें सोयाबीन का दाम 8000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग की है। धार भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में दसे के किसान रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सोयाबीन का दाम 8000 रुपये प्रति क्विंटल की मांग की है। किसानों का कहना है कि पिछले 10 सालों से सोयाबीन के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि खाद, बीज, मजदूरी, ट्रैक्टर किराए के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। सोयाबीन आज भी 3800 से लेकर 4000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। महंगाई के इस दौर में सोयाबीन की फसल से लागत निकालना भी मुश्किल हो गया। सोयाबीन के समर्थन मूल्य के लिए आज का पंजा न कमल का फूल, किसानों का पसीना है ये सोयाबीन के फूल। इस विषय में आज हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारा सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य है वो 8600 किया जाए, जिससे किसानों की लागत निकल सके। आज इस महंगाई में किसानों को खेती करना दुर्लभ हो गया है। मतलब महंगाई बढ़ गई पर किसानों की फसलों के दाम तो 10 साल पहले सोयाबीन बिक रहा था 4300-3800, वही आज बिक रहा है। मतलब किसानों के लिए कोई महंगाई नहीं है। इस विषय में आज हमने बाहर रैली निकालकर नायब तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, क्योंकि हमारी यह एक सोयाबीन का दाम किसानों को दिया जाए 8600 रुपये क्विंटल, और घोड़ा रोज नील गाय जो किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं, ताकि उसको किसानों का सर्वे करके उचित मुआवजा दिया जाए। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश विकास खंड सरदारपुर दसई के पदाधिकारीगण एवं किसानों द्वारा आज दसई में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर ज्ञापन दिया है, जिसमें उनके द्वारा मांगे की गई हैं कि उन्हें जो सोयाबीन का मूल्य है वो भाव नहीं मिल पा रहा है, उसी तरह कपास के भाव का भी उन्होंने जो सही मूल्यांकन है वो नहीं मिल पा रहा है, मक्का गेहूँ का भी उन्हें भाव सही नहीं मिल पा रहा है। साथ ही उनके द्वारा किसानों के खेतों में जंगली सुअरों द्वारा तथा घोड़ा रोड द्वारा भी काफ़ी नुकसान किया जा रहा है, उसके संबंध में भी सुरक्षा हेतु ज्ञापन दिया है, जो कि मेरे द्वारा ज्ञापन ग्रहण कर SDM मैडम के माध्यम से जिलाधीश महोदय तथा सरकार को दरित गति से पहुँचाया जाएगा मांगों के समर्थन हेतु। मैं पंकज यादव नायब तहसीलदार सरकार को। धार से प्रतीक सिंह राठौर की रिपोर्ट।